तुमने आज अपनी बेटी का तर्पण कर दिया। वेल डन रागिनी सिंह, वेल डन। अगर अभी हम तुम्हें सच्चाई बता देंगे ना तो तुम्हें ऊना हमारी सफाई लगेगी, लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई तुम्हारे सामने जरूर आएगी। क्या हुआ, क्या है बताइए प्लीज। अरे नरक का नजारा देखकर आ रहे हैं हम। वो जो कानून वाली है ना, उसके चेहरे पर से सराफत का नकाब उतर गया है आज। जो कुछ भी हुआ है ना मिस्टर जी, इसमें सृष्टि का कोनो गलती नहीं है। ये सब ना उस शेखर का किया था। अब काहे दुपट्टा डाल रही हो? कौन सा शर्म बाकी रह गया है? खुलेआम एक गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही हो और हम सबके आते ही दुपट्टा डाल रही है। अरे खड़ी हो जाओ अपने जोड़ीदार के साथ और अपने बाप को भी ना अपना ही कर्तव्य देखने दो। नफरत करते हमारे से, नफरत करते हमसे। आपके हाथ गंदे हैं। देख लिया ना प्रशोदम जी, आपके सामने आपकी बिटिया डिग्री और डिप्लोमे लेकर खड़ी है। मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ सृष्टि, लेकिन मैं मजबूर था तुम्हें ये दर्द देने में। ये तकलीफ, ये बदनामी जरूरी थी हमारे मिलन के लिए। अब तुम्हारे अपनों के नफरत के बीच हमारा प्यार का फूल खिलेगा। सृष्टि, मैं समझ सकता हूँ जो तुम पर बीत रही है। आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ससुराल वाले जाहिल थे, लेकिन सर ने तुम पर विश्वास क्यों नहीं किया? शायद सर की भी गलती नहीं है। उस रागिनी ने इन सबको ऐसे फिल्म दिखाई है जैसे उनको विश्वास करना पड़े। मैं निकलता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल भी नहीं रहोगे। प्लीज़ प्रॉमिस मी। शेखर जाओ यहाँ से। हाँ लेकिन सृष्टि। ठीक है, मैं जाता हूँ। प्लीज टेक केयर। हमें हमारे घर वालों के सामने बदनाम करने का प्लान कामयाब रहा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम अपना छोड़ कभी किसी का भला नहीं चाहती।
नारद, हमें ना पूरा कुंडली चाहिए उस शेखर का। पता करो कि उस सृष्टि को कब से जानता है, पुरुषोत्तम क्या कब से काम कर रहा है, उसकी माँ बाप बहन भाई जो भी उसके घर में है सबका खबर चाहिए हमें। शेखर को अंजाम तक ना हम पहुंचा के ही मानेंगे। अब क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हारी एक गलती की वजह से आज मेरा पूरा परिवार परेशान है। मेरी बात सुनो, अपना जाहिल बना और दिखाने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज डोंट डू एनीथिंग। हमारी अम्मा ना एकदम ही ठीक कहती है, जब इंसान के पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं होता ना तो उसको चुप बैठ जाना चाहिए। चुप रहने से ना उम्र भी बढ़ता है। तुम्हारी अम्मा जी ने ये नहीं सिखाया कि अगर किसी इंसान को रिश्ते समझने की अकल ना हो तो उसे उस रिश्तों से दूर रहना चाहिए। एकदम ही सही बोले मिस्टर जिया, हमें रिश्ते नातों का ना बिल्कुल समझ नहीं है। अगर होता हमारे रिश्ते का ये दुर्गति नहीं होता। इतना जोर से भूख लगा है, कल रात को कुछ बना नहीं, अभी देख रहे हैं कोई नोएबू नहीं किया है खाने के लिए। हम इससे ज्यादा दुख नहीं मना सकते हैं बीजू बाबू के शादी टूटने का, हम तक खा रहे हैं। का हुआ? कोनो नाश्ता करना नहीं आया का? नहीं बुआ, कोनो नहीं आया। हाँ तो ठीक है ना भैया, आप अपना पंचायती हो लीजिए, हम मंडी जाके गेहूँ का भाव पता कर लेते हैं, बाकी कोनो जरूरत होगा तो आपको हम फोन कर लेंगे। देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हैं नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता तो करता जाइए। अनुराग बेटा, अच्छा हुआ है तुम भी आ गए, चलो नाश्ता कर लो। नहीं माँ, मेरा कुछ खाने को मन नहीं। मुझी भूख तो हमको भी नहीं है। देखो बा, खाने का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, और जब नाश्ता बनी गया तो चलो थोड़ा थोड़ा खा के निकलते हैं। जी लगता है देवर जी अभी तक अपने कमरा से बाहर नहीं आए हैं। दो कौड़ी की लड़की की बच्चलनी की वजह से अजी घर में किसी के हलक से खाना नहीं उतर रहा है, और ऊपर से हमारा घर का सारा मुकदमा भी लड़ रही है। माँ जी ना सारा का सारा मुकदमा उसे वापस ले आएंगे। देवर जी अब सारा काम छोड़िए और हमारे साथ ना हरिनगर चलिए। माँ प्लीज, अब आपको नया तमाशा मैं शुरू कर दीजिएगा। ब्रज, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। काहे नहीं जाएंगे वो हमारे साथ? क्यों, कानून वाली का और कौन? श्रीमती जी, हम अच्छे से जानते हैं कि हमें का करना चाहिए और का नहीं करना चाहिए, ये आपको बताने का जरूरत नहीं है हमें, इसलिए मेहरबानी करके हमारा काम में हस्तक्षेप मत किया कीजिए। ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। पांडे जी, हमको भी तो अभी भी पता चला है। एक मिनट टेबल में फोन करता हूँ बाद। ये देखो आ गई मैडम जी। ये हम तो सुने कल रात ओवरटाइम करती पकड़ी गई थी। तुम अब सुनियो, अरे हम तो पहला दिन से ही जानते हैं कि शेखर के चक्कर में तो अपने पति को तलाक देना चाहती। क्या बात कर रहे हैं, अरे जब तलाक ले ही रही थी तो दो चार दिन और कंट्रोल कर लेती, ये सब बेशर्मी करने का क्या जरूरत था? जो मजा लूट के खाने में, कमा के खाने में कहाँ। सही बात कह रहे हैं आप। शाबाश मुखियाइन, तुम्हारे टैलेंट का जवाब नहीं, बिना चिंगारी के आग मैंने लगाई और बिना बात का किस्सा तुमने फैला दिया, वाह। अरे शेखर बाबू, थोड़ा हम लोगों पर भी तो ध्यान दीजिए, कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं अपने केस का नंबर जानने के लिए। आपका नंबर लंच के बाद आएगा। अरे छोड़िए केस का नंबर, ये बताइए अपनी अनारकली पर हमारा लंबर कब लगवाइएगा।
क्या मतलब है आपका? अरे सीधा सा मतलब है शेखर जी, कल रात जो मैडम के साथ आपने 20-20 खेला था, उस खेल के हम भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, हमें भी अपनी टीम में शामिल कर दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये घटिया बात करने की? जान ले लूंगा तेरी। अरे शेखर बाबू छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? कानून अपना हाथ में लेंगे क्या? छोड़िए। अरे तो कौन सा गलत बात कह दिया हमने? सारा कोर्ट जानता है तुम लोगों के किस्से के बारे में। तुम लोगों की वजह से पूरा वकील बिरादरी बदनाम हो रहा है। तुम कहने क्या चाहते हो? क्या किया ऐसा हमने? हाँ अरे शेखर बाबू, क्या हम लोगों का मुंह खुलवा रहे हैं आप? और खाली शुक्ला जी को मारने से कहा होगा, पूरा कचहरी बोल रहा है, समझे? और आप लोगों का रात का जो गरम कहानी है ना, पूरा कचहरी जानता है। अरे आप तो फिर भी ठीक है, आप मर्द हैं, लेकिन वो मैडम पूरा लड़की का जात का नाम खराब कर दिया उन्होंने। अरे वर्मा जी, हम तो कहते हैं कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए ना खुद पर। अब ऐसा बेशर्मी किया है कि लोग बाकी लड़कियों को भी सक की निगाहों से देखने लगे हैं। शर्म नहीं आती? लड़की हो के लड़की का नाम खराब करती हो। लड़की हूँ शेखर बाबू, लेकिन ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करी है कभी। ऐसी घटिया बात दोबारा करी ना तो मैं डिफेमेशन का केस डाल दूंगा सब पर। सिस्टर चलो यहाँ से। हाँ जाइए यहाँ से, मैं भी अपने बीच में ऐसे गंदे लोग नहीं चाहिए। आप लोगों की वजह से पूरे कोर्ट का माहौल खराब हो रहा है। हम भी बहन बेटियों वाले हैं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। देवर जी आप अभी तक अपना कमरा नहीं समेटे? चलो कोई बात नहीं, आज आपकी भाभी आपका कमरा समेट देती है। अरे हम तो एक बात बताना ही भूल गए देवर जी आपको, वो हमारा नौकर नहीं है कन्हैया? उसकी गाय ने ना जुड़वा बछड़े दिए हैं, पता है? और मालूम है उस उन बछड़ों का नाम क्या रखा है? बताएंगे ना नाम आपको, आप हंस के लोट के बूट हो जाएंगे बता रहे। बछड़ों का नाम रखा है बूटी और लवली। बूटी और लवली? अरे ऐसा भी कोई नाम रखता है क्या बूटी और लवली? हमको तो लग रहा है ज्यादा काम कर करके ना पगला गया है वो। वैसे हमारी अम्मा भी ना हमारा कुछ ऐसा ही अंटसंट सा नाम रखी थी, बताया आपको? हमें बचपने में क्या बुलाती थी हमारी अम्मा? वो हमें कहती थी इमरती। तरीकी हम तो आपको अपना बहुत बड़ा वाला सीक्रेट बता दिए। अब देवर जी आप हमें ना प्रॉमिस कीजिए कि आप ही नाम किसी को नहीं बताएंगे घर में। भाभी आप हमें कुछ समझाने आएंगे अगर ऐसा है तो? अरे नहीं, हम कहे आपको कुछ समझाने आएंगे। अरे देवर जी आप तो खुद ही कितने समझदार हैं, हम तो आपको ना नाश्ते के लिए बुलाने आए थे, भूख लग रहा होगा ना आपको, चलिए नाश्ता कर लीजिए। नहीं भाभी हम बिल्कुल समझदार नहीं है, लेकिन अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, और जितना हम समझ पा रहे हैं ना उस हिसाब से हम सृष्टि जी को कभी माफ नहीं करेंगे, किसी के कहने पर भी माफ नहीं करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो मत कीजिए माफ। कौन कह रहा है आपको माफ करने के लिए? अरे देवर जी हम तो आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि उसके चक्कर में ना आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। आप वो कानून की देवी के चक्कर में साइट पे जाना शुरू किए थे ना, छोड़ दीजिए। आपका मन नहीं कर रहा है, नहीं चाहिए, वो सारे काम छोड़ दीजिए जो आप दूसरों को खुश करने के लिए किए थे। और अगर कुछ करना है ना देवर जी तो आप अपने लिए कीजिए। आपको सच बता रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, आपको बहुत खुश देखना चाहती है। आपके जो मन में आता है ना आप वही कीजिए। चलिए अभी तो फटाक से नाश्ता कर लीजिए। अब हमारे पेट में तो बहुत चूहा दौड़ रहा है, आपके पेट में नहीं दौड़ रहा है। चलिए चलिए आइए, आ जाइए। हमें जल्द से जल्द सारा सच सबके सामने लाना होगा, देवर जी को उनकी ईमानदार और सच्ची सृष्टि वापस मिल जाए।
सृष्टि, ये सब एक बुरा सपना है, प्लीज इसके बारे में मत सोचो ज्यादा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कल रात की बात कोर्ट के लोगों तक कैसे पहुंची। जरूर इन सब में रागिनी का हाथ है, उसे तो मैं देख लूंगा बाद में, मगर फिलहाल मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और तुमसे ज्यादा तुम्हारे पापा की फिक्र हो रही है सृष्टि मुझको। सृष्टि तुम सारी सच्चाई जानती हो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन तुम अपनी नजरों में कभी नहीं गिर सकती। लेकिन सृष्टि तुम्हारे पापा का क्या, उनका तो लोग जीना हराम कर देंगे ना। मैं जानता हूं सर को, सर को अपनी इज्जत से प्यारा कुछ भी नहीं है और पता नहीं वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगे। सृष्टि And I really don't know, ये समाज इन दख्यानुसी बातों को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों पेश करती है। लेकिन एक बात मुझे आज समझ आई है, ये सब लोग एक लड़की को ही ब्लेम करते हैं। सृष्टि हम जानते हैं कि हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है, मगर ये समाज हमें ऐसे जीने नहीं देगा और बार बार हमको वो याद दिलाएगा जो हमने गलत नहीं किया। इस रागिनी ने हमें हरिनगर में काम करने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? सृष्टि अब हमारे लिए यहां पर कुछ भी नहीं बचा। हमें लगता है कि यहां के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। जब हम यहां पर रहेंगे ही नहीं तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। हमें हरिनगर छोड़कर जाना होगा। जाना होगा? हम कहाँ जाएंगे? हम दिल्ली जाएंगे सृष्टि। दिल्ली? हमें वहां पर कोई भी नहीं जानता और वो हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी और यही बात हमारी ताकत बनेगी। आसमान छूने की अपॉर्चुनिटी होगी वहां पर। सृष्टि मैं तो कहता हूं कि इस मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी समझो। हमें एक नई और बेहतर जिंदगी बुला रही है सृष्टि, और वैसे भी यहां पर बेइज्जती के अलावा कुछ भी नहीं बचा। बोलो सृष्टि, चलोगे ना मेरे साथ?